नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है जो अभी प्रॉब्लम चली रही है कि आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बहुत सारे लोग हैं जिनका कम हो रहा है। तो घर में ही बैठे हुए आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपने ऑक्सीजन लेवल को, शरीर के ऑक्सीजन लेवल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक तो ऐसे कौन से फूड है जिससे ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी हम चेंज करके बताएंगे, वो अगर लाइफस्टाइल अपना लेते हैं तो ऑक्सीजन लेवल आपका कम होगा ही नहीं। और फिर है कुछ अहम योगा, कुछ अहम जैसे योगा पोस्चर जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल अगर आपको बढ़ाना है तो आपको योगा कौन सा करना चाहिए। तीन चार योगा है, बहुत ही ज्यादा सरल है, प्राणायाम है। तो ओम चैंटिंग से शुरू करिए। सबसे पहले अगर आपके पास गार्डन है तो गार्डन में आप बैठ जाइए, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हैं। गार्डन नहीं है, छत है तो छत पर खुले आसमान के नीचे आप बैठ जाइए, क्योंकि मॉर्निंग में जो एक ऑक्सीजन अलग ही बहुत ही फ्रेश मिलती है हम लोगों को। तो मैट लगा दीजिए, थोड़े ढीले वस्त्र पहन लीजिए और सबसे पहले शुरुआत करिए ओम चैंटिंग से। तो ओम चैंटिंग क्या करता है, जब हम ओम बोलते हैं तब आपके जो शरीर में एक वाइब्रेट फील होता है जिससे लंग्स खुल जाते हैं, लंग्स को स्पेस मिलती है। जब आप ओम बोलते हैं तो लंग्स को स्पेस मिलती है अपना वर्क आराम से करने के लिए। तो नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में आप बैठिए इजीली बिल्कुल, और धीरे से ऐसे बोलिए ओ। तो ऐसे आप तीन बार बोल सकते हैं, एक वाइब्रेट आपको एकदम से वाइब्रेशन फील होगा, एकदम से शरीर, एकदम से लंग्स आपका खुल जाएगा। अच्छा, अब आपने ओम उच्चारण कर लिया है, ओम उच्चारण के बाद में आप नाड़ी शोधन करिए। नाड़ी शोधन मैंने आपको बहुत जगह मेरे वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि उसको सही तरीके से किस तरीके से करें। नॉर्मल जैसे आपकी ये जो दो फिंगर्स हैं वो आप आज्ञा चक्र या सेंटर आईब्रो सेंटर के बीच वहां रखिए, और सबसे पहले आप सांस लेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से और फिर राइट नोस्ट्रिल से आप छोड़ देंगे, और फिर अगेन आप राइट नोस्ट्रिल से लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। तो यही प्रक्रिया आप दोहराइए 9 से 10 बार, बिल्कुल आराम से दोहराइए। तो ये दो हो गया है प्राणायाम, और अब हम बात करते हैं दो योगा पोस्चर की जो आपको एकदम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में हेल्प कर देगा। तो बात कर लेते हैं पहले योगा पोस्चर की। आपने जो मैट बिछा रखी है उसके ऊपर हमें पेट के बल हमको धीरे से लेट जाना है। अब आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे कि पेट के नीचे हमने जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया तक ही हमने दो पिलो रख रखे हैं, और पांव के नीचे भी हमारा एक पिलो रखा हुआ है। और जो हम लेट गए हैं, जब हम लेटेंगे तो आगे की तरफ चेस्ट के नीचे हमने बिल्कुल सॉफ्ट छोटा सा एक पिलो रख रखा है, और आप फील करेंगे कि ये जो आपका एब्डोमन एरिया है उसके नीचे कुछ भी नहीं है। उसके नीचे आप हाथ डाल के आराम से देख लीजिए कि आप आराम से हाथ आपका आर पार हो रहा है, इसका मतलब वहां कुछ भी नहीं है, उसको स्पेस मिल रहा है आराम से अपना वर्क करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए लेटे रहें, 3 से 4 मिनट से आप शुरू करें, 5 से 10 मिनट तक आप आराम से रिलैक्स होके लेट सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए पिलो को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ध्यान रखिए पहला पिलो पांव के नीचे होना चाहिए, और जो दो पिलो बीच में है वो पेल्विक एरिया तक ही आपके आने चाहिए, और बीच में स्पेस रहना चाहिए बिल्कुल एब्डोमन के नीचे, और चेस्ट के नीचे एक हल्का सा बिल्कुल सॉफ्ट पिलो होना चाहिए। तो इस ये जो पोजिशन है 5 से 10 मिनट तक आप बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। इतनी अच्छी पोजीशन है ये कि अगर आप देखेंगे कि एकदम से ये लेटने के बाद में 5 से 10 मिनट में आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम से बढ़ जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो योगा पोस्चर है उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी तो आप पेट के बल लेटे हैं, अब जो सेकंड है उसमें आप पीठ के बल आराम से लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के बाद में अगर आप हाथ ऊपर करना चाहते हैं पीछे की तरफ तो आप कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, या आप
नॉर्मल जैसे आप कन्वीनियंस से आप हाथ नीचे भी रख सकते हैं या पेट पर भी रख सकते हैं। फिर आप नॉर्मल बिल्कुल आराम से इजी रहिए, नॉर्मल एक ब्रीद ली आपने, फील करिए कि आपके जो रिबकेज है, आपके जो लंग्स है वो खुल रहे हैं, अपना स्पेस ले रहे हैं, ब्रॉड हो रहे हैं एकदम से, और धीरे से सांस ली और फिर थोड़ी देर कुछ सेकंड आप रुक जाइए जब तक आप रुक सकते हैं, और रुकने के बाद में फिर से धीरे 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 आप सांस को छोड़ते जाइए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं और जब आप सांस ले रहे हैं तो मन में आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक आप सांस ले सकते हैं, रुक जाइए फिर सांस छोड़ दीजिए। तो ऐसी प्रक्रिया भी आप 6 से 7 बार कर सकते हैं। आप फील करेंगे कि एकदम से आपको एकदम से फील होने लगेगा कि लंग्स आपके खुल गए हैं, बहुत आराम मिल गया है उनको, वो आपको प्यार करने लगेंगे और वो आराम से ब्रीथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सब करने से, जो भी योगा हमने बताया है, जो भी प्राणायाम हमने बताया है, ये सब करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ऑप्टिमम हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ऐसे फूड की जो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होंगे। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आपको बहुत ज्यादा खानी है, आपको वाटर जितना ज्यादा से ज्यादा है वो आपको पीना है, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, आपको जो भी लिक्विड फूड है लिक्विड है वो आपको ज्यादा लेना है। ब्रोकली हो गया, रेड बीन्स हो गया, और रेड और येलो बेल पेपर हो गया, ये भी आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। आप नट्स ज्यादा खाइए, ग्रीन लीफी जो डार्क ग्रीन लीफी होती हैं सब्जियां, जैसे पत्तेदार सब्जियां जो भी होंगी, पालक हो गया या लौकी हो गई, टीनसी हो गई, भिंडी हो गई, ये सब ग्रीन सब्जियां जितनी हैं आप ज्यादा से ज्यादा खाइए। अब आप सोचेंगे कि ज्यादा ग्रीन सब्जियां खाने से हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ सकता है। सब्जियां जब हैं उसमें आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, और उसके अंदर विटामिन ए, बहुत सारा विटामिन ए होता है सब्जियों में। तो विटामिन ए और फॉलिक एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने में और उनको रिपेयर करने में काम आते हैं। जो हमारा बॉडी है उसको सही तरीके से चल सके उसके लिए क्या जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से जरूरी है। ये सब हम अगर आप ले, हम लेते रहेंगे, जिंक है, आयरन है, सब्जियों में आयरन बहुत ज्यादा होता है, जो जितनी भी सब्जियां हैं आप जिसमें ज्यादा आयरन है वो जरूर आप ले लीजिए। तो विटामिन ए से भरपूर सब्जियां भी आप जरूर खाइए। तो ये सब खाने से जो शरीर का ऑक्सीजन लेवल है वो 100% लेवल पर रहेगा। और अब बात कर देते हैं लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए आपकी। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा निर्भर करती है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में। कुछ लोग घंटों, जैसे अभी ऑनलाइन वर्क भी चल रहा है, तो घंटों एक हम करके झुक कर वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, आप मोबाइल में आप लगातार देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल हम करके हम भूल जाते हैं कि हमको स्ट्रेट बैठना है। तो प्लीज स्ट्रेट बैठें। जब आप स्ट्रेट बैठेंगे, आप अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहे तो आगे एक पिलो रख लीजिए, आगे एक डेस्क रख लीजिए, स्टूल रख लीजिए, उस पर हाथ रख के बैठिए, पर स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट बैठ रहे हैं तो लंग्स को बिल्कुल लंग्स की कैपेसिटी एकदम बढ़ जाएगी, लंग्स स्ट्रेट रहेंगे, उनको एक जगह मिलेगी ब्रीथ लेने के लिए। तो ये आप एकदम से चेंज कर दीजिए। थोड़ा योगा करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा वॉक करके आइए, जिम नहीं जा पा रहे तो ये सब वॉक करना, प्राणायाम करना, ये सब चीजें भी आपकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। एक और बात, ढीले ढाले वस्त्र पहने और गरिष्ठ भोजन से बचें, ज्यादा मिर्च मसाला बिल्कुल भी वो वाला भोजन बिल्कुल नहीं करें, बाहर से मंगा के बिल्कुल भी नहीं खाएं, और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार करके, थोड़ा प्राणायाम करके, थोड़ा अपने पर ध्यान अगर आप दे देते हैं तो ऑक्सीजन लेवल आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, पैनिक नहीं होइए, जो भी प्रॉब्लम है हमारे हाथ में, हम उसको सुधार कर सकते हैं। नमस्कार।